आज आपकी बात हो रही है आदर्श पटेल, इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी का अलॉट हुआ है और इन्होंने 640 मार्क्स 720 में प्राप्त किए हैं और इनके जूलॉजी में सब्जेक्ट रैंक 175 और 160 नंबर इनके फिजिक्स में और बहुत सारे अच्छे अच्छे नंबर, इनके ओवरऑल बहुत अच्छा कॉलेज इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी का मिला है। इनसे अपन थोड़ा सा कुछ जानेंगे, इन्होंने पिछले एक साल में इन्होंने कैसा रहा, क्या सब्जेक्ट में इन्होंने किस सब्जेक्ट को कैसे डील किया, क्या नहीं करना है, क्या करना है, इन चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आदर्श जी आप ये बताइए कि इस एक साल में आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है। सर सबसे पहले तो अपन को कंसिस्टेंट रहना है और जितना पॉसिबल हो सके उतना सेटिंग बढ़ानी है, मिनिमम 6 से 7 घंटे तो बैठना ही बैठना है डेली, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ नहीं करनी है वो है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर स्किप कर देते हैं क्योंकि उनका कुछ टॉपिक नहीं हो पाता है प्रिपेयर, तो पेपर बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं अपन को। वैसे जैसे आपने पिछले साल आपने देखा होगा कि आपके साल भर में कई टेस्ट आपने दिए होंगे, उसमें से कुछ जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बॉटनी जूलॉजी में कभी ना कभी आपके नंबर कम भी आए होंगे, कभी ज्यादा भी आए होंगे। जब कभी आपके कम आए तो क्या आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, ऐसा लगा कि किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, तो मैं मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं परेशान हुआ घर वालों से, या किसी प्रकार की आपको ऐसा लगा कि अब इस पॉइंट पे मुझे कहाँ पे किस डायरेक्शन में जाना है? देखो कई बार ये चीज हुई तो इस प्रॉब्लम के लिए मैंने अपने टीचर्स को रीच आउट करा, कई बार खुद अलग तरीके से कुछ चीज़ें करने की कोशिश करी, और अगर मैं लो फील करता था तो उस पेपर को और ज़्यादा एनालाइज करता था, जैसे लेट सपोज मेरा बॉटनी नहीं हुआ अच्छा नहीं है तो मैं बॉटनी पे उस क्वेश्चन को और ज़्यादा अच्छे से समझूंगा, टीचर्स के पास जाऊंगा और उसके उस टॉपिक के और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, तो उससे क्या हुआ कि वो टॉपिक मेरे और इम्प्रूव हो गया। मतलब आपने लगातार प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करते करते आपने उस सब्जेक्ट में काफी कमांड बना ली, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में जब भी आपको लगा तो आपने फिर सबसे पहले टीचरों से संपर्क किया, उस टीचर से, रिस्पेक्टिव टीचर से आपने उस चीज के बारे में काफी इम्प्रूवमेंट की, लगातार प्रैक्टिस की उस चीजों के बारे में। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये काफी बच्चों को, आने वाले बच्चों के लिए काफी काम का रहेगा कि आप इन चीजों से अपना काफी इम्प्रूव और उन बच्चों को काफी फायदा मिलेगा आपकी ये टिप्स। मतलब अगर मैं आप कुछ लास्ट बोलना चाहें कि ओवरऑल अगर हम साल भर में क्या और चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन मतलब एकदम कन्फर्म हो या हम उस डायरेक्शन की ओर जा सके जहां से सिलेक्शन मिलता है। कई बार अगर आप स्टक हो जाते हैं तो अपने टीचर्स को रीच आउट करना चाहिए, और अगर कुछ नहीं बन रहा है तो उसको दूसरे बच्चों से भी अपन पूछ सकते हैं, क्योंकि अपन को जो चीजें कहीं फंस रहे हैं तो वो दूसरा बच्चा आके अपन को हेल्प आउट कर सकता है। मतलब दोस्तों से भी सलाह एक अच्छी चीज होगी कि हम अपने दोस्तों से भी लगातार कनेक्शन बना के रखें, जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं उनसे मिल और उसके बाद मेहनत करें, सर का सब्जेक्ट लगातार प्रैक्टिस। मतलब ये सिंपल से चीजें हैं कि अगर हम साल भर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट में वीक है उसमें लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचरों से कॉन्टेक्ट में है, अपने सर से कॉन्टेक्ट में है, दोस्तों से कॉन्टेक्ट में जो अच्छा कर रहे हैं, तो हमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। और ये आदर जी से हमारी कुछ छोटी सी एक मुलाकात थी जिसमें हम सिलेक्शन की ओर बढ़े और सिलेक्शन अच्छा, बहुत ही अच्छा कॉलेज मिला, शिवपुरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला। बधाई हो सर।